In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a two-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. तो अभी जो आपने एक वीडियो क्लिप देखा वो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का वीडियो क्लिप है। 1 फरवरी 2023 को जब संसद भवन में वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया जा रहा था उसका ये वीडियो क्लिप है। देखिए, मैंने आपको पहले ही पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि इतना विरोध प्रदर्शन सांसदों के द्वारा आवाज उठाए जाने के बावजूद और सरकार का आलोचना करने के बावजूद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्र सरकार की ओर से भारत के ICDS के अंतर्गत काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए किसी भी प्रकार के मानदेय बढ़ोतरी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, यानी कि मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए स्पेशली कोई स्कीम या फिर कोई लाभ का जो है योजना लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ICDS स्कीम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है महिला है, महिलाओं का ये कम्युनिटी है, तो फाइनली महिलाओं और लड़कियों के स्कीम के संबंध में ये वीडियो क्लिप आपने शुरू में जो देखा महिला सम्मान बचत पत्र, जी हाँ ये एक स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत की कोई भी महिला कोई भी लड़की जो है वो 2 लाख रुपए मैक्सिमम जो है वो डिपॉजिट कर सकती है, जमा कर सकती है। इसमें सरकार की ओर से फिक्स 7.50% का इंटरेस्ट जो है उनको दिया जाएगा। ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक यानी 2 वर्षों के लिए रहेगी। इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके वहां पर 7.50% का जो है इंटरेस्ट जो है अर्न कर सकते हैं। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए लॉन्च की गई है। चाहे आप किसी भी समुदाय किसी भी जाति धर्म की हो कोई भी काम करते हो यहाँ पर आपको ये लाभ मिलेगा। तो एक्चुअल कहना ये है कि आंगनवाड़ी के लिए तो कोई स्कीम स्पेशली लॉन्च नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर जो है लाभ के संबंध में आपको जो है ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। ये सभी के लिए है, चाहे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या नहीं हो, किसी भी महिला या लड़की के द्वारा ये जमा किया जा सकता है और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट उनको ब्याज के रूप में मिलेगा। हमें निराशा हुई कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम लॉन्च नहीं की गई, मानदेय बढ़ोतरी भी नहीं की गई। फिलहाल कोई नहीं, आने वाले अगले बजट में जब राज्यों का बजट पेश होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मुझे वीडियो जानकारी मिली हो, कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो नीचे लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।